हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर इलेवन एलजेब्रा एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट फाइव से क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए पिक आउट द सोल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये यह इक्वेशंस दी गई हैं ठीक है इन इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनके लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है अब हमें क्या करना है इन वैल्यूज़ को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करना है और ये देखना है कि ये इक्वेशन जो है किस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है जिस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही इसका सोल्यूशन होगी ठीक है अब देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी जब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो तो ए पार्ट देखिए इक्वेशन दी गई है फाइव एम इक्वल टू सिक्सटी इसमें वेरिएबल क्या है एम देखिए एम के लिए यहाँ ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दी गई हैं टेन फाइव ट्वेल्व फिफ्टीन अब एम की इन वैल्यूज़ को एक एक करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू से जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू को इस इक्वेशन पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है सबसे पहले देखिए एम की वैल्यू क्या है टेन अब देखिए जो वैल्यू है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और देखेंगे क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो पहले जो एम की वैल्यू क्या है टेन तो इफ़ एम इज़ इक्वल टू टेन देन फाइव एम इज़ इक्वल टू अगर एम टेन है तो फाइव एम क्या होगा तो देखिए फाइव एम यहाँ पर जो एम है उसमें हम टेन रखेंगे तो देखिए फाइव एम का मतलब क्या है फाइव इं टू एम फाइव इं टू एम की जगह क्या रखना है हमें टेन तो फ़ाइव इंटू टेन तो देखिए फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया फिफ्टी तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है फिफ्टी आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है सिक्सटी तो देखिए फिफ्टी इक्वल नहीं है सिक्सटी के फिफ्टी इज़ नॉट इक्वल टू सिक्सटी यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो देखिए एम की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एम इक्वल टू टेन ये इसका सोल्यूशन नहीं है नेक्स्ट एम की वैल्यू क्या है फ़ाइव अब हम एम की वैल्यू जो फाइव है इसे अब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो इफ़ एम इज़ इक्वल टू फाइव दैन फाइव एम इज़ इक्ल टू अगर एम फाइव है तो फाइव एम क्या होगा तो अब यहाँ एम की जगह हमें क्या रखना है फाइव तो फ़ाइव एम यानी फ़ाइव इंटू एम अब एम की जगह वैल्यू क्या रखनी है हमें फाइव फाइव इं टू फाइव इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फ़ाइव तो लेफ़्टाइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है ट्वेंटी फाइव और राइट हैंड साइड पर क्या है सिक्सटी तो देखिए ट्वेंटी फ़ाइव इज़ नॉट इक्वल टू सिक्सटी ये नॉट इक्वल टू का साइन है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव सिक्सटी के इक्वल नहीं है यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो एम इक्वल टू फाइव ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहे हैं अब एम की वैल्यू क्या रखेंगे टेन तो इफ़ एम इज इक्वल टू टेन देन फाइव एम इज इक्वल टू फाइव इन टू एम की जगह क्या रखना है ट्वेल्व तो फाइव को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करा कितना आया सिक्सटी तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है सिक्सटी और राइट हैंड साइड पर भी क्या है सिक्सटी तो सिक्सटी इज़ इक्वल टू सिक्सटी यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो एम की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो एम इक्वल टू टेन जो है इसका सोल्यूशन है नेक्स्ट देखिए एम की वैल्यू अब क्या रखनी है हमें फिफ्टीन इफ़ एम इज़ इक्वल टू फिफ्टीन दैन फाइव एम इज़ इक्वल टू देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे वैल्यू तो एम की वैल्यू अब फिफ्टीन रखनी है हमें तो फाइव एम यानी फ़ाइव इंटू एम फाइव इंटू एम की जगह क्या रखना है हमें फ़िफ्टीन फाइव को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सेवनटी फ़ाइव तो देखिए सेवनटी फाइव इज़ नॉट इक्वल टू सिक्सटी यानी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो एम की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है तो देखिए एम की किस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है एम इज़ इक्वल टू ट इस वैल्यू से तो एम इज इक्वल टू ट्वेल्व ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है डेयर फॉर एम इज इक्वल टू ट्वेल्व इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो एम इज इक्वल टू ट्वेल्व इस इक्वेशन का सोल्यूशन है अब बी बार देखिए इक्वेशन दी गई है एन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल एन है और यहाँ ब्रैकेट्स में एन के लिए हमें वैल्यू दी गई है ट्वेल्व ए ट्वेंटी जीरो अब एन की इन वैल्यू को हम एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू से जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है वही वैल्यू इसका सोल्यूशन होगी तो सबसे पहले देखिए एन की वैल्यू क्या है ट्वेल्व तो इस वैल्यू को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है तो इफ़ एन इज इक्वल टू ट्वेल्व देन एन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू अगर एन की वैल्यू हम ट्वेल्व ले रहे हैं है देन एन प्लस ट्वेल्व तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी तो देखिए एन की जगह क्या रखेंगे हम 12, क्योंकि एन की वैल्यू हमने 12 लिया, तो हमनेक्वल टू ट्वेंटी और राइट हैंड साइड पर क्या है ट्वेंटी तो देखिए ट्वेंटी फोर इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी तो देखिये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो यानी एन की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है नेक्स्ट अब हम एन की वैल्यू क्या लेंगे एट इफ़ एन इज इक्वल टू एट देन एन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू अब एन की जो, जो वैल्यू एट है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो देखिए एन की जगह क्या रखना है एट तो एट प्लस ट्वेल्व एट प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेंटी और राइट हैंड साइड पर भी क्या है ट्वेंटी तो ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी तो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो एन की इस वैल्यू से जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है अब एन की वैल्यू क्या है ट्वेंटी लेंगे इफ़ एन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी देन एन प्लस ट्वेल्व अब एन तो की इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो देखिए एन की जगह क्या रखेंगे ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व तो देखिए ट्वेंटी में ट्वेल्व ऐड करेंगे कितना आएगा थर्टी टू देखिए थर्टी टू इज़ नॉट इक्वल टू ट्वेंटी राइट हैंड साइड पे क्या है ट्वेंटी तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है तो इस वैल्यू से जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अब एन की वैल्यू क्या लेंगे जीरो और उसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो इफ़ एन इज़ इक्वल टू जीरो देन एन प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू एन की जगह क्या रखना है जीरो ज़ीरो प्लस ट्वेल्व जीरो प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व और राइट हैंड साइड पर क्या है ट्वेंटी तो देखिए ट्वेल्व इज़ नॉट इक्वल टू ट्वेंटी तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है तो एन की इस वैल्यू से भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो देखिए एन की किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है एन इज इक्वल टू एट इस वैल्यू से इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो एन इज इक्वल टू एट यही जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो देफर एन इज इक्वल टू एट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो एन इज इक्वल टू एट जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है अब सी पार देखिए इक्वेशन दी गई है पी माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव अब यहाँ वेरिएबल क्या है पी और पी की यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स में वैल्यूज दी गई हैं जीरो टेन फाइव और माइनस फाइव अब इन वैल्यूज़ को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू को यहाँ रखने पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है वही वैल्यू जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी तो देखिए इन वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो सबसे पहले पी की वैल्यू क्या है जीरो तो इफ़ पी इज इक्वल टू जीरो देन पी माइनस फाइव लेफ्ट हैंड साइड में हम पी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो देखिए पी की जगह यहां रखेंगे जीरो माइनस फाइव तो देखिए जीरो में से माइनस फाइव माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस फाइव ही आएगा ठीक है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है माइनस फाइव और राइट हैंड साइड पर क्या है फाइव तो देखिए माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो इस वैल्यू से जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अब पी की वैल्यू हम क्या लेंगे टेन इफ़ पी इज इक्वल टू टेन देन पी माइनस फाइव अब पी की इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो देखिए पी की जगह क्या रखना है टेन तो टेन माइनस फाइव टेन माइनस फाइव टेन में से फाइव माइनस करेंगे क्या आएगा फाइव और राइट हैंड साइड पर भी क्या है फाइव तो फाइव इज इक्वल टू फाइव यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है तो इस वैल्यू से जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नेक्स्ट पी की वैल्यू क्या है फाइव अब पी की इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो इफ़ पी इज इक्वल टू फाइव देन पी माइनस फाइव तो पी की जगह क्या रखेंगे फाइव फाइव माइनस फाइव तो फाइव में से फाइव माइनस करा क्या आया है जीरो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर ज़ीरो आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है फाइव तो जीरो इज़ नॉट इक्वल टू फाइव तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है तो इस वैल्यू से ये क्वेश्चन सेटिसफाई नहीं हो रही है अब पी की वैल्यू नेक्स्ट क्या है माइनस फाइव तो अब पी की इस वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे इफ़ पी इज इक्वल टू माइनस फाइव तेन पी माइनस फाइव इज इक्वल टू पी की जगह क्या रखना है माइनस फाइव फिर माइनस फाइव अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो देखिए दोनों जो है माइनस के जब दोनों माइनस के हों तो प्लस करते हैं और साइन माइनस का तो इन तो तो दोनों को प्लस कर देंगे फाइव प्लस फाइव टेन और जो साइन है वो माइनस का आएगा तो क्या आया माइनस टेन तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है माइनस टेन और राइट हैंड साइड पर क्या है फाइव तो देखिए माइनस टेन इज़ नॉट इक्वल टू फाइव तो p की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो देखिए किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है p इक्वल टू टेन इस वैल्यू से जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो यही जो है इसका सोल्यूशन है p इक्वल टू टेन जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है देयरफॉर p पी इज इक्वल टू टेन इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी पार्ट देखिए क्वेश्चन दी गई है केव अपॉन टू इज इक्वल टू सेवन देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है केव और केव के लिए यहाँ ब्रैकेट्स में हमें वैल्यूज दी गई है सेवन टू टेन फोर्टीन अब इन वैल्यूज़ को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू को इक्वेशन पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है वही वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सोलूशन होगी तो इन वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे ठीक है सबसे पहले जो है केव की वैल्यू क्या है सेवन इफ केव इज इक्वल टू सेवन देन केव अपॉन टू इज इक्वल टू तो यहाँ केव की जगह क्या रखेंगे हम सेवन सेवन अपॉन टू तो लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है सेवन अपॉन टू और राइट हैंड साइड पर क्या है सेवन तो देखिए सेवन अपॉन टू इज नॉट इक्वल टू सेवन तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो केव की इस वैल्यू से ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अब केव की वैल्यू क्या लेंगे टू इफ केव इज इक्वल टू टू देन केव अपॉन टू इज इक्वल टू अब केव की जगह क्या रखेंगे वैल्यू टू तो टू अपॉन में क्या है टू तो देखिए टू वन जरा टू टू वन जॉ टू क्या आया वन तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है वन और राइट हैंड साइड पर क्या है सेवन देखिए वन इज़ नॉट इक्वल टू सेवन यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो क्यों की इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही अब क्यों की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे टेन इफ़ केव इज इक्वल टू टेन देन केव अपॉन टू इज इक्वल टू अब केव की जगह यहाँ क्या रखेंगे टेन टेन अपॉन टू तो देखिए टू वन जार टू टू फाइव ज़ा टेन तो क्या आया फाइव तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है फाइव और राइट हैंड साइड पर क्या है सेवन तो फाइव इज़ नॉट इक्वल टू सेवन यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है तो इस वैल्यू से भी क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रही है नेक्स्ट देखिए केव की वैल्यू क्या लेंगे फोर्टीन इफ़ केव इज इक्वल टू फोर्टीन देन केव अपॉन टू इज़ इक्वल टू केव की जगह क्या रखेंगे फोर्टीन और अपोन में क्या है टू तो देखिए टू वन जा टू टू सेवन ज़ा फोर्टीन तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा, रहा है सेवन और राइट हैंड साइड पर भी क्या है सेवन तो देखिए सेवन इज इक्वल टू सेवन तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो देखिए क्यू की इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्यू की ये वैल्यू जो तो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है यानी केव इज इक्वल टू फोर्टीन जो तो इसका है इसका सोल्यूशन है देयरफॉर फोर केव इज इक्वल टू फोर्टीन इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अब नेक्स्ट ई पार्ट देखिए क्वेश्चन दी गई है आर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और यहाँ ब्रैकेट्स में आर की वैल्यूज हमें दी गई है फोर माइनस फोर एट जीरो तो अब आर की इन वैल्यूज़ को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू को इस इक्वेशन पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है वही वैल्यू जो है इसका सोल्यूशन होगी तो इन वैल्यूज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है सबसे पहले आर की वैल्यू क्या है फोर तो इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे इफ आर इज इक्वल टू फोर देन आर माइनस फोर इज इक्वल टू अगर आर फोर है तो आर माइनस फोर किसके इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे देखिए आर की जगह क्या रखेंगे फोर तो फोर फिर माइनस फोर फोर में से फोर माइनस करा कितना आया जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है जीरो और राइट हैंड साइड पर भी क्या है जीरो तो देखिए जीरो इज इक्वल टू जीरो यानी लेफ्टाइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो इस वैल्यू से यह क्वेश्चन सेटिसफाई हो रही है नेक्स्ट अब आर की वैल्यू क्या लेंगे माइनस फोर इफ़ आर इज़ इक्वल टू माइनस फोर देन आर माइनस फोर इज़ इक्वल टू तो अब यहाँ आर की जगह क्या रखेंगे माइनस फोर फिर क्या है माइनस फोर तो देखिए दोनों जो है माइनस में जब दोनों माइनस में हो तो प्लस करते हैं तो फोर प्लस फोर एट और जो साइन है वो माइनस का आता है तो माइनस एट तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है माइनस एट और राइट हैंड साइड पर क्या है ज़ीरो तो देखिए माइनस एट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिसफाई नहीं हो रही अब आर की वैल्यू एट लेंगे इफ आर इज इक्वल टू एट देन आर माइनस फोर इज इक्वल टू अब आर की जगह क्या रखेंगे एट एट माइनस फोर एट में से फोर माइनस करेंगे क्या आएगा फोर साइड को सोल्व करने पे फोर आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है जीरो तो देखिए फोर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही तो ये इस वैल्यू से भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही अब आर की वैल्यू हम लेंगे 0. R 0, R R 0. तो जीरो इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन आर माइनस फोर अब आर की जगह क्या रखेंगे जीरो जीरो माइनस फोर देखिए ज़ीरो में से फोर माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस फोर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर माइनस फोर आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है जीरो तो देखिए माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो देखिए किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू को इस इक्वेशन पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है आर इज इक्वल टू फोर जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो यानी ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो आर इज इक्वल टू फोर इज द सोल्यूशन ऑफ़ द इक्वेशन अब एफ पार्ट देखिए क्वेश्चन दी गई है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टू अब यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स और यहाँ ब्रैकेट्स में हमें एक्स के लिए वैल्यूज दी गई हैं माइनस टू जीरो टू फोर अब इन वैल्यूज़ को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है यानी किस वैल्यू की इस इक्वेशन पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है वही वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी तो इन वैल्यूज़ को एक एक करके जो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करेंगे सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू तो इस माइनस टू को हम लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स प्लस फोर पर पुट करेंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू देन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू अब एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस टू फिर प्लस फोर तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में जब एक माइनस में और एक प्लस में हो तब माइनस करते हैं तो फोर में से टू माइनस करेंगे क्या आएगा टू और जो साइन है वो बड़े नंबर का आता है फोर बड़ा उसके साथ क्या साइन है प्लस का तो टू भी प्लस का आएगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर क्या आ रहा है टू और राइट हैंड साइड पर भी क्या है टू तो देखिए टू इज़ इक्वल टू टू यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो ये जो है इस वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है अब एक्स की वैल्यू क्या लेंगे जीरो इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो देन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू अब एक्स प्लस फोर में एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो तो एक्स की जगह हमने रखा है जीरो प्लस फोर तो ज़ीरो प्लस फोर इज़ इक्वल टू फोर और राइट हैंड साइड पर क्या है टू तो देखिए फोर इज़ नॉट इक्वल टू टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है तो इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अब एक्स की वैल्यू क्या लेंगे टू इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू टू देन एक्स प्लस फोर इज़ इक्वल टू अब एक्स की जगह क्या रखेंगे टू टू प्लस फोर टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर सिक्स आ रहा है और राइट हैंड साइड पर क्या है टू तो देखिए सिक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू सिक्स टू के इक्वल नहीं है यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही तो इस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है अब एक्स की वैल्यू फोर लेंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू फोर देन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू अब एक्स की जगह क्या रखेंगे फोर तो फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है एट और राइट हैंड साइड पर क्या है टू तो देखिए एट इज़ नॉट इक्वल टू टू यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही तो देखिए इस वैल्यू से भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो किस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इस वैल्यू से जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इस वैल्यू को इक्वेशन पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो एक्स इक्वल टू माइनस टू ये जो है सोल्यूशन है इस इक्वेशन का देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस टू इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू